हेलो गाइस, फिर से हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले कि ये म्यूजिक वाला पूरा ग्लोइंग वाला एक पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे मेरे है, कोई कोई है जो देखा है, कोई बहुत कोई नहीं देखा है, लेकिन इसको कैसे बनाए हो वो दिखाने वाला हूँ। पूरा ये ग्लोइंग इफेक्ट और बॉडी में रिम लाइट वगैरह पूरा दिखाने वाला हूँ कैसे किया है। इसका पूरा करने वाला वीडियो तो है नहीं, तो इसका PHD फाइल से धीरे धीरे दिखाएंगे स्टेप बाई स्टेप कि कैसे किया हूँ मैं। तो सबको हाइट कर देता हूँ पहले। हाइट कर दिया, ये तो रहेगा, रुको, पूरा हाइट कर दिया। हाँ, पूरा हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो दिख रहा है ये मेसी को और इस फुटबॉल को कटआउट कर लिया, इससे इधर पूरा नहीं है, कटआउट कर लिया। और इसका इजिस में जो ये दिख रहा था उधर से मैंने ब्लर एंड वो ये कर दिया, क्या बोलते उसे, क्लोन कर दिया, क्लोन साइड से क्लोन कर दिया। पता ही होगा, हाँ पता तो होगा, यह बहुत कुछ जानते हो मतलब फोटोशॉप के बारे में। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। हाँ, तो क्लोन कर दिया। फिर इसको क्या किया, ब्लर किया, बैकग्राउंड को ब्लर किया। देख सकते हो कि ये आगे वाला जो है ये फोकस में है पूरा, पीछे सब ब्लर कर दिया। लेकिन आप लोगों को एक बात बताना था कि ये पीछे जो पूरा फैन दिख रहा है ना, मेसी का फैन, मतलब अर्जेंटीना का सपोर्टर पूरा दिख रहा है, ये भी इधर नहीं था, ये भी इधर बैठाया है मैंने, मतलब इधर कटआउट करके लगाया, इधर पूरा चिपका दिया कटआउट करके। वो मैंने पहले ही कर दिया, मर्ज कर दिया, इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है पहले। तो फिर ये करना पड़ेगा, पहले ये कटआउट निकल लिया। उसके बाद हमने किया ये क्यों किया बाद में पता चलेगा, तो ये बाद में दिखाऊंगा ये क्यों किया। तो मैंने ये ऊपर के जो ज़्यादा ब्राइट वाला था वो कर दिया डार्क कर दिया, नाइट में होगा इसलिए, नाइट में पूरा डार्क करेंगे तभी तो ग्लो दिखेगा ना, ये कर दिया। फिर पूरा पूरा एकदम डार्क किया पूरा इमेज, मेसी का भी किया, वो दिखाते हैं बाद में। तो इसके बाद ये PNG ऐड किया, ठीक है। इस PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसको यूज़ करना है तो पूरा गूगल ड्राइव का लिंक होगा, एकदम में डाउनलोड कर लेना। तो इसी के साथ मेसी को भी इधर थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट था, उसको भी डार्क किया। ये थोड़ा वो जो बॉडी में जो ब्लू कलर का होता है अर्जेंटीना के जर्सी में, वो थोड़ा डिसेचुरेट किया इधर। इसमें अब सैचुरेशन जो कलर ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर दिया थोड़ा, देख ही सकते हो ऑरेंज कलर इसमें। और ये लेवल की मदद से इसको कर दिया और भी डार्क, पूरा एकदम मैच कर दिया। तो अब क्या है, ये जो इसका ब्राइट है ऑरेंज कलर का, वो ग्राउंड में भी आना चाहिए, फुटबॉल में और मेसी में तो कर दिया हमने। कैसे किया देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, ह्यू रखा हो 20, सैचुरेशन 77 और लाइटनेस को 32 रखा हो। तो फिर ऐसे ही हमको नीचे भी कर लेना है। और अगर आप लोग नहीं जानते कैसे करते तो कमेंट करना, डिटेल में वीडियो बना देंगे उसके लिए। इसको भी हमने कुछ मैच कर लिया ऑरेंज कलर के साथ, ये देख सकते हो, या ह्यू रखा 20, सैचुरेशन 86 और ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाया। फिर हमने इसे किया ब्लेंड, ग्रास वगैरह है इसलिए ब्लेंड तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा प्लेन दिखेगा, पूरा प्लेन। ये देखो, ये देख सकते हो तो पूरा कैसा प्लेन हो गया, और भी प्लेन हो जाता, इसलिए इसको ब्लेंड करते हैं। और ब्लेंड करते कैसे हैं, ऑल्ट बटन को प्रेस करके इसका साइड वाला एक को पकड़ के ऐसे खींचना पड़ता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो इसके बाद इस ग्लो है बस उधर तो नहीं रहेगा, पूरा और भी थोड़ा अच्छा लगने के लिए इसके मेसी के पीछे भी करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं मेसी के पीछे भी ये किया। फिर ग्राउंड में जिधर ये बड़ा सा लाइट सोर्स है उसके नीचे भी थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा, इसके लिए हमने ये किया। ये अगर पूछोगे तो कैसे किया, तो
आपको ले लेना है एक, तो पहले से हाइड करता हूँ, एक सॉलिड कलर ले लेना है और वो वाला कलर लेना है 20, सेचुरेशन 20। और अब ब्राइटनेस कुछ भी रख सकते हैं, हाई रख सकते हैं, कोई बात नहीं, इधर कम हो जाएगा, इधर से भी कम कर सकते हैं, चलो 50 कर देते हैं, इधर से करके भी कोई फ़ायदा नहीं, 100 ही रहने देते हैं। तो अब इसको पहले ब्लेंड कर लेते हैं, ये देखो नीचे ग्रास ब्लेंड हो रहा है ना, जिधर जिधर इसका मतलब है जिधर जिधर ब्राइटनेस है उधर ये दिखेगा, और जिधर डार्क है उधर वो मतलब उधर से इरेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लिया कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। तो इसको अब करके देखते कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला मैंने किया, लीनियर ड्रॉज करना है, कंट्रोल आई क्लिक करना है, फिर ब्रास लेके, ब्रास लेके इसको इधर से छोटा कर देना, ये डॉट पे क्लिक करके ऐसे करना है, करने के बाद फ्लो को कम कर लाना है, कम करने के बाद इधर पेंट करना है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये वाइट होना चाहिए, ऊपर वाला वाइट होना चाहिए, फिर इधर होगा, ठीक है। ये इधर का ग्लो ऐसे किया मैंने, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ये ऊपर साइड में भी किया ऐसे करना पड़ेगा। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं, दिखाते हैं मैंने जो किया, ये किया था, और ये जो मैंने पहला वाला किया उसमें देख सकते हैं बीच में ब्राइटनेस कम है, तो उसके लिए आप एक कम कर सकते हैं, ये एक्सपोजर को लेना, इसको बढ़ाना, ठीक है, फिर ब्लेंड कर देना सेम तरीके से, ये ब्लेंड हो गया, थोड़ा सा करना है, फिर कंट्रोल आई, फिर से वाइट वाला ब्रश लेके और फ्लो कम रख के ओपेसिटी 100 फ्लो कम इधर प्रिंट करना है, देख सकते हो ये ब्राइट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो चलो इसे डिलीट करते हैं, एक्सपोजर को भी डिलीट करते हैं, मेरा वाला ये मर्ज किया हुआ है इसलिए ये इतना ही दिखा रहा है बस, ये मैं इधर भूल गया था, तो मुझे लगा ये अलग अलग करना ही सही रहेगा, तो इसलिए मैंने अलग अलग किया, वो ग्राउंड के बारे में जो है वो अलग अलग किया मैंने। तो इसके साथ ये थोड़ा स्मोकी इफेक्ट किया, स्मोकी इफेक्ट इसके लिए, ये तो मैंने ब्रश से किया, अगर ब्रश चाहिए किसी को तो कमेंट करना, तो ब्रश का लिंक दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब चलते मेसी के ऊपर, मेसी को तो मैच तो कर दिया, कैसे मैच किया, अब ये जो ग्राउंड में कलर था, ह्यू सेचुरेशन कितना लिया था, 20 करके वो देखना पड़ेगा, 20 कर देगा तो कलर तो मैच हो जाएगा, अभी ब्राइटनेस और सेचुरेशन को भी मैच करना पड़ेगा, तो वो तो कर दिया, और लेवल के लेवल को ठीक करके ब्राइटनेस भी ठीक कर दिया, ये देख सकते हो इसको कम करने से पूरा शेडो बढ़ जाएगा और कमाने से पूरा डार्क हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि कौन सा अच्छा रहेगा, ये देख देख के कर लेना। तो अब है रिम लाइट की बारी, रिम लाइट कैसे करते हैं बताते हैं, तो पहले दिखा देते हैं, पहले ये किया फिर ये, ठीक है, पहले ये फिर ये, तो दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है, ये मैच कलर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये ह्यूज सैचुरेशन की मदद से जो कलर मैच किया है, ये देख सकते हो पूरा ऑरेंज टोन जो आया है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके पहले ये करना है पहले, फिर ले लेना है एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, अब जहाँ पे आपको ठीक लगे कि मैच कर रहा है वहाँ तक रहने देना है, उसके बाद ब्लेंड करना है, क्योंकि हमको चाहिए हाईलाइट पोर्शन में, इतना ठीक होगा, फिर ओके, कंट्रोल आई, और ब्रश को आप इतना ही रहने देना, छोटा कर लेना बस, छोटा करके इतना सा छोटा, ठीक है, छोटा करके अभी पेंट करना है, ये मैनुअली पेंट करना है, ये ध्यान पे रखना कि ये वाइट होना चाहिए और ऑपोसिटी कम, इसको ऐसे पेंट करना है,
तो ये देख सकते हो, ऐसे धीरे धीरे पेंट करना है। जितना टाइम लेके करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जो कि देख सकते हो। ये दिखा देता हूँ, चलो थोड़ा और करके दिखाता हूँ। जैसे कि रुको, ब्रश थोड़ा घुमा लूँ। ये देखो, ये जो लाइट्स आ रहा है ना, ये आपको खुद करना है। मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये जितना आप इसके ऊपर टाइम दोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, ये एक हो गया, ऐसे करना है। ठीक है, तो फिर इसे डिलीट करते हैं, मेरा वाला दिखाते हैं। तो ये किया, ठीक है। उसके बाद इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सेम प्रोसेस है। चलो दिखाते हैं, फिर से ले लेना एक्सपोजर और इसका ब्लेंडिंग रखना है लीनियर टच। ठीक है, और इसको बढ़ाना है, जितना आपको ठीक लगे उतना बढ़ा लेना है, जितना ठीक लग रहा है। फिर इस पर ब्लेंडिंग नहीं करना, ब्लेंडिंग मतलब इस पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल आई चला गया। फिर आपको ऐसे जूम कर लेना है, अभी जूम करके प्रॉपर पेंट करना है। ठीक है, प्रॉपर मतलब आपको एक एक वो टेक्सचर देना है इसकी मदद से। एक एक प्रेस करके ये वाइट ब्लैक चेंज कर सकते हो, वाइट से पेंट होगा और ब्लैक से इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी का मदद से इरेज भी कर रहा हूँ। पहले पेंट कर लेना, फिर धीरे धीरे इरेज कर देना जो नहीं चाहिए। ऐसे आपको पूरा कर लेना है। इस पर टाइम तो लगेगा, टाइम तो बहुत ही लगेगा, ये धीरे धीरे करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब जो पार्ट ज़्यादा होगा उसको इरेज कर देना है। ये जो पूरा टेक्सचर है ये देना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर ही टाइम लगेगा पूरा। ये देख सकते हो कैसे बना रहा हूँ, तो ऐसे ही बना लेना है। तो मेरा पहले से बनाया हुआ है, तो ये देख सकते हो। फिर से नहीं, अब कुछ टेक्सचर नहीं दिया, अब यही था बस। और फेस पे भी ये सेम है, फेस पे आप लोग जो देख सकते हो, इधर ई ब्राइट जो किया है ना, इसको इधर पे दिया हूँ पूरा। ठीक है, अभी इसको पूरा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई प्रेस करके पूरा एक ऊपर का एक पूरा मर्ज करके एक बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा पूरा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इसको कलर ग्रेड किया। तो देख सकते हो कलर ग्रेड पहले से, चलो दिखा देता हूँ। कैमरा और फिल्टर में जाना है, फिर इधर से आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, इधर से आपको खुद देख के करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है, ये पूरा आपके ऊपर है। पूरा आप देख देख के कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ऐसा था, ऐसा हो गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत भी कर सकते हो, मैंने नहीं किया, मैंने बस दिखाने के लिए इतना ही किया। तो ये अभी का और ये मेरा किया हुआ है, पूरा अलग है। बट इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा, छेड़खानी करना पड़ेगा पूरा सारा ऑप्शन, तभी आपको समझ में आएगा। खुद नहीं कर सकोगे तो क्या ही होगा, खुद को पहले देखना पड़ेगा सब कुछ। ट्राई करो, हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने मेरा लोगो दे दिया इधर, तो
जिसको ये गोट वाला इसका पीएनजी चाहिए ग्लोइंग ग्लो करते हुए, वो लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो ये पीएनजी ये मैं दे दूंगा इसको, बस लेके जहाँ पे डालोगे वहाँ पे स्क्रीन मोड पे ब्लेंडिंग इसको स्क्रीन कर देना है, बस हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो चलिए बाय। We'll be right back.